तो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। होप करते हैं आप लोग बढ़िया हैं, बढ़िया रहना। और स्वागत है सभी लोगों का मेरे और नए ब्लॉग में। तो जी हाँ, आप देख ही सकते हैं कि बस बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ कि राइड स्टार्ट हो गई हमारी पहली राइड बिहार के लिए। और ये नॉर्मल राइड है, मतलब कह सकते हैं कि इंजॉयमेंट वाली राइड है। तो अभी तो बज रहे हैं 10:30। अभी जस्ट मैं हेयर कट करवा के, बाल दाढ़ी बनवा के अभी जस्ट मैं आया हूँ। और अपने लिए पूरे मतलब कपड़े वपड़े निकलवा के रख दिया हूँ, हेलमेट साफ़ कर दिया, वाइजर भी सब साफ़ कर दिया हूँ। उसके बाद गाड़ी के थोड़े बहुत चेन क्लीन करने थे, वो भी कर दिया। बस क्या करना है, जल्दी जल्दी बस नहाना है, नहा के राइडिंग गियर्स पहन के बस निकलना है। क्योंकि ये अराउंड रास्ता 4-5 घंटे का है और बिहार की रोड उतनी अच्छी नहीं है, मतलब बॉर्डर के और आगे तक आपका क्या कहते हैं, गोपालगंज रोड ठीक है। गोपालगंज के बाद मोहंगो मतलब पूरा देसी पैच मिलेगा, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे। और पहले यहाँ से मुझे जाना है आपका देवरिया, देवरिया में अजय को पिक करना है। अजय को पिक करने के बाद फिर वहाँ से मैं निकलूँगा बिहार के लिए खुर्शीद के पास। तो अभी बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि लेट काफ़ी हो गया, सोने में मतलब लेट हो गया था। रात में एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करके वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप लोगों को देखने को, जब तक तो ये वीडियो देखेंगे मतलब वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, तो उसको भी एडिट करके डाल रहा था, बहुत काफ़ी लेट हो गया था। तो जल्दी नहाते हैं और फिर निकलता हूँ मैं। और पहले मैं दिखा दूँ क्या क्या मैं सामान लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा सामान नहीं, बस 1-2 दिन वहाँ रहना है, बस उसके लिए मैं बस सामान लेके जा रहा हूँ। तो मैं दिखा दूँ पहले क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 जीन्स, 2 शर्ट और फिर 1 लोवर, 1 टी शर्ट, यहाँ पे अपना हेलमेट और फिर अपना टॉप बॉक्स। इसको एक अंदर मेरा पूरा मतलब आपका राइडिंग गेयर्स है, इसके बस निकाल कर फिट करना है। तो ये अपना सब कुछ हो गया, ये अपना राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ये आपका वाटर बैग, इसमें वाटर भरूंगा अभी थोड़ी देर में, और सब इसको पैक करके और इसी टॉप बॉक्स में अपने रख दूंगा। और इसमें मैं लेके जा रहा हूँ पीछे का वो बैक रेस्ट और ये साफ ऊफ करने के लिए गाड़ी, और चेन लूप कर लूँगा रात में ज़रूर, मतलब वहाँ ज़रूरत पड़ेगा चेन क्लीन करने के लिए, चेन क्लीन करूँगा। बाकी थोड़ा बहुत एसेसरीज हैं बस। अब जल्दी से ये सब सामान पैक करता हूँ, इसमें डालता हूँ, टॉप बॉक्स को बुलेट में फिट करता हूँ और तब मिलता हूँ मैं आप लोगों को, पूरा राइडिंग गियर्स में पहनकर तब मिलता हूँ मैं आप लोगों को। फाइनली अब हम लोग का राइड स्टार्ट हो गया है और हम आ चुके हैं अब देवरिया वाले रोड पे। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आपका अजय के घर के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मतलब तगड़े तगड़े रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो भी जा रहा है एक बार मुड़ के ज़रूर देख रहा है, मतलब राइडर जा रहा है ना भाई, तो मुड़ के ज़रूर देख रहा है, मज़ा जा रहा है, मतलब पूछिए मत। तो अभी आगे चलते हैं पेट्रोल पम्प पे, फ्यूलिंग कराते हैं क्योंकि फ्यूल बहुत कम है इसमें, मतलब एकदम ना मात्र है। जब भी सर्विसिंग वर्विसिंग कराए थे तो सब फ्यूल खत्म हो गया है, तो आगे चल के फ्यूलिंग करते हैं, फ्यूलिंग पूरा फुल टंकी कराते हैं, देखते हैं कितना फुल टंकी होता है। और आप लोग भी कैलकुलेट करते रहना कि कितने का मतलब इस राइड में खर्चा आता है, और मैं भी मतलब जोड़ता रहूँगा कितना खर्चा हुआ कितना खर्चा नहीं हुआ। तो यहाँ हम लोग आ जा रहे हैं MMM मदन मोहन मालवीय कॉलेज के पास। कई कई सारे मेरे दोस्त इसमें पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं और पता नहीं किस स्ट्रीम में है सब। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब सुबह सुबह, मतलब ये राइड अगर सुबह में करता ना तो और अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, मतलब निकलते 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 लेट से लेट होता गया और मतलब काफ़ी लेट हो गया, मतलब 12 बजे मैं घर से निकला हूँ और अभी जाते में ये कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे देवरिया पहुँचने में। वहाँ से अजय को पिक करूँगा, पिक करने के बाद फिर निकलेंगे हम लोग, मतलब मेन राइड तब स्टार्ट हो गई। देखिए कितना समय लगता है, कितना मतलब मुझे तो लग रहा है शाम हो जाएगा आराम से, मुझे शाम हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा आराम से, पूछिए मत। और मतलब काफी अब मौसम भी मतलब पूरा बारिश वाला हुआ है, इसीलिए मतलब रेनकोट लेके रख लिया हूँ मैं, रेनकोट अंदर है अपने टॉप बॉक्स में है रेनकोट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब चलते हैं आगे फ्यूलिंग कराते हैं और फ्यूलिंग कराते हैं, देखते हैं कितना फ्यूल है, मतलब एकदम मुझे तो डर लग रहा है, मतलब फ्यूल स्टेशन तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा ये भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मतलब तेल एकदम ना मात्र कहते हैं ना वैसा तेल है इसके अंदर। और गोरखनाथ से यहाँ तक आ गया, मतलब तेल था मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर अप्रॉक्स तेल था इसमें, तो मेरा गाड़ी भी माइलेज भी बहुत अच्छा देता है, 40-45 किलोमीटर दे देता है, मतलब पहुंच जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आप लोग गाड़ी को मेंटेन करके नहीं रखोगे ना यार, तब तक गाड़ी मतलब अच्छा माइलेज नहीं देगी, अच्छा पिकअप नहीं बनेगा,
और जो कहते हैं ना एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा ना गाड़ी से, तो आप उसका ध्यान रखना स्टार्ट करो। यही फ्यूल स्टेशन है और मैं हमेशा यहीं से फ्यूल अप कर आता हूँ। काफ़ी भीड़ है यार आज, लगाते हैं लाइन में, देखते हैं कब तक कम कर आता है। यहीं से फीलिंग कराता, मैं हमेशा फीलिंग यहीं से कराता हूँ। चलिए ये लड़की याद हो गया मुझे, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को याद होगा ये लड़की को मैंने दिया था एक बार वीडियोज में, जो सामने है पेट्रोल भर रही है, इसको मैंने वीडियोज में दिया था। तो फुल कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। पहला फ्यूल अब देखें कितने, ये बहुत खुश हुई थी पहली बार जब वीडियो में आई थी ना, कैरी कैमरा देख लो बच्चे के। तो फाइनली 1180 का फुल अप हुआ, तो मतलब अराउंड 1200 का मान लो पूरा टंकी फुल हो गई है वो अपनी। अब यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं अजय के घर के लिए। अजय के घर पहुँचने में विमान के लिए भी 1 घंटा लगेगा, यहाँ से देवरिया बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। अभी तो गोरखपुर में ही हमें घर जाने में 1 घंटे लगेंगे। और ये नायरा का पेट्रोल पंप है आपका देवरिया रोड पे, जब आप गोरखपुर से जाएंगे देवरिया के लिए तो यार नायरा का पेट्रोल पंप है भाई, बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है। मैं तो रिकमेंड करूँगा जो भी राइडर्स इधर से अगर जाते हैं और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो आके यहीं पेट्रोल भरवाए करें, और काफ़ी मतलब अच्छा पेट्रोल मिलता है और मतलब सही क्वालिटी में मिलता है। तो निकलते हैं हम लोग भाई अब डायरेक्ट अजय के गांव पे पहुंचकर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, क्योंकि तो थोड़ा लेट हो चुका हूं ना, इसलिए बाइक को थोड़ा भगाना पड़ेगा, इसलिए मैं वहां पहुंच के तब वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। तो हम लोग आ चुके हैं अजय के गांव में, उसका तो गांव स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी हरियाली है यार, मुझे इतनी सारी हरियाली देखने को मिल रही है, देख रहे हैं आप चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। और अभी इधर मुझे लग रहा है कि अभी 1-1.5 घंटा पहले ही बारिश हुआ है यहाँ पे, कि सतह अभी पूरी गीली गीली लग रही है, मतलब बारिश अभी हुआ है। तो अच्छा हुआ कि मैं रेनकोट रख लिया था, और अगर रेनकोट नहीं रखा रहता ना यार तो पूरा मतलब राइडिंग गियर तो भीगते ही भीगते हैं। ये वाटर प्रूफ है लेकिन तब भी मतलब जो जेब में मोबाइल वोबाइल है ना वो भी सब भीग जाते, तो अच्छा हुआ रेन सूट ले लिया मैं। और फ़ोन भी अजय किया था बीच में, कहाँ हो, तो मैं आपका मोती हवाई अड्डा पे था मैं, तो उसने कहा कि जल्दी आओ क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी, और उधर भी जाने में भी लेट हो जाएगा, और रात में ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करना है, मतलब घर वाले मतलब बोले कि रात में ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करना है, रात में स्प्रे करवा रहा आपसे, ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करना है। लग रहा है उसका कॉल भी आ रहा है, हाँ उसी का कॉल था, बस पहुँचने ही वाले हैं, 2 मिनट और लगेगा घर पर पहुँचते हैं फिर निकलते हैं। लास्ट बार हम लोग भैया की शादी में ही आए थे, हम अजय खुर्शीद और अमार भाई और फिर वो भी था ताजिर भाई भी थे, मतलब इतने लोग ही बस आ पाए थे, और बगल वाला जो नहर था वो भी खाली था, इस समय भर गया है, देख रहे हैं पूरा भर गया है, मतलब इधर बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और बस यहाँ भी बस कीचड़ वाला रास्ता है, थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, गाड़ी स्लिप ना हो, बस स्लिप भी नहीं होगी क्योंकि ब्रांड न्यू टायर जो मैंने डलवाया है कल, आराम से मतलब जाएंगे, लेकिन तब भी एक होता है ना बस स्केरी हो जाता है कि बगल में तो नहर जा रही है, आप देख ही सकते पूरा फुल है, इतना मतलब कम से कम 7-8 फीट गहरा है। तो हम लोग अजय घर से हम निकल चुके, पीछे अपना अजय बैठा हुआ है, क्यों अजय सब अजय क्या हाल है, बढ़िया है, शीशे में दिख रहे हो, देखिए यही अजय है, कह रहा वीडियो में आने से मना कर दिया, कह रहा हमको वीडियो में मत लेना, कह रहा बस ऐसे ही शर्माता है ना थोड़ा बहुत वीडियो में आने से, लेकिन इसका शर्माना हम दूर कर देंगे, वीडियो में आएगा जरूर आएगा। और यहाँ से अभी मोतिहारी दिखा रहा है आपका,
182 किलोमीटर। अब उसके बाद 15-20 किलोमीटर मान लीजिए कि 200 अप्रॉक्स 200 किलोमीटर चलना ही है, और फिर आपका 50-60 मतलब 250 किलोमीटर है टोटल। तो निकलते हैं अब धीरे धीरे, अभी तो अजय के गांव के साइड ही है, अभी निकल के फिर हम लोग NH24 में जब कनेक्ट होते हैं तो वीडियो वहीं से स्टार्ट करता हूँ। अभी थोड़ा बहुत मतलब हरियाली को एंजॉय करते हैं, और मतलब यहाँ से मतलब अराउंड खाली सिर्फ 15-20 मिनट रुके हैं, अजय बस तैयार हो रहा था, तैयार होके निकल गया, इसीलिए समय लग गया। तो हम लोग मिलते हैं अब NH24 पे। तो अभी हम लोग जस्ट अभी हाईवे पे चढ़े हैं आपका NH24 पे, और देख सकते हैं आप लोग बारिश भी आना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए मैंने रेनकोट पहन के रखा है। अभी तो हल्की फुल्की हो रही है बारिश, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो मैं अब रेनसूट रो के रेनसूट पहन लूँगा, और अजय रेनसूट नहीं लाया, वो भी भूल गया। तो भैया भीगते हुए जाएंगे, क्या कर सकते हैं। और अभी हम लोग कुशीनगर में है, मतलब कुशीनगर आने वाला है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर बारिश तेज होगी, क्योंकि खुर्शीद बोल रहा था कि भाई बारिश हो रही है रेनकोट ले लेना, इसीलिए हमने रेनकोट पहले से ही ले के रख लिया था। देखिए ज़्यादा बारिश होती है तो पहनना पड़ेगा, वरना अगर नॉर्मली इतना ही बारिश होती है तो कोई बात ही नहीं होगा, आदमी इसी पे चला जाएगा। और भाई अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद खुर्शीद से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि एक वही वो बंदा था जिससे मतलब वीडियो का रीच बढ़ा, मतलब एक दो वीडियो जो उसका मैंने थोड़ा मजाक वजाक उड़ाया था, तभी जाके उसका मतलब वीडियोस का जो मेरा रीच था वो हल्का हल्का बढ़ गया था। तो फिर से उस रीच कम हो गया है, तो फिर भी तो उसी के लिए जा रहा हूँ खुर्शीद के पास, थोड़ा रीच बढ़ेगा, एक दो दिन रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे हम लोग अपना मिलकर, और अजय भी रहेगा तो ये भी मौज मस्ती करेगा। इससे मैं मतलब मिस कर रहे हैं जिशान को, अगर जिशान भी रहता ना और सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो हो जाएगा सोने पे सुहागा, बस यही बात है। और जिशान नहीं है, वो भी अब कमाने लग गया है, क्योंकि जान रही है कैसा मतलब समय आ जाता है ना कि कॉलेज के बाद सबको कमाना पड़ता है, घर पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और भैया अजय तो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोग के पास तो अथाह संपत्ति है, लोग कुछ कह, हम लोग जैसे गरीब आदमी देख रहे हैं, जाते हैं कमाते हैं आते हैं, क्या कर सकते हैं। वजह ऐसा ही कहे ना कुछ बोल नहीं रहा है अजय, क्या करेगा बेचारा। लेकिन अजय बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही बहुत अच्छा लड़का है, मतलब इसका भी जल्दी जल्दी मतलब मान के लिए शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, पीछे से मार रहा है उसको, मजाक कर रहे हैं अजय, मजाक कर रहे हैं। नहीं, दिल का बहुत अच्छा लड़का है, मतलब दोस्ती अच्छे से निभाता है और एकदम भाइयों जैसा प्यार करता है आप लोगों से, हम भी लोग तो वैसे ही प्यार करते हैं एक दूसरे को हम लोग। अब यहाँ बारिश बंद हो गई, देख रहे हैं यहाँ बारिश बंद हो गई, हल्की फुल्की बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी जगह पे, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो पा रही है, लेकिन अच्छा है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, मौसम भी ठंडा है, और इतना ज़्यादा राइडी जैकेट पहना है कि मतलब गर्मी भी लग रही है ना, और जब हर ठंडा ठंडा हवा अंदर जा रहा है एकदम सुकून मिल रहा है। यहाँ से आपका कुशीनगर 2 किलोमीटर है, और आपका मोतिहारी अजय कितना है, 110-120 है ना, हाँ 110-120 यहाँ से है, 110-120, और मेरे घर से लेकर खुर्शीद के घर तक अराउंड भाई 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर आज गाड़ी चलेगी। जल्दी ही इन सब जगहों में से किसी एक जगह पे मैं जाने वाला हूँ अगले महीने, उसका भी राइड का प्लान कर रहा हूँ। ये वाला राइड मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये पूरा राइडिंग गियर, हेलमेट और टॉप बॉक्स लगा के इसलिए मैं ये राइड कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। जब नया नया सामान होता है ना तो लोग चला कर उससे कम्फर्टेबल जब हो जाएंगे तब मतलब और लंबी लंबी राइड तब मैं आसानी से कर सकूँगा, इसीलिए मैं ना ये चीज़ मतलब आराम से मतलब कंफर्टेबल हो जाओ, इतना लंबा टूर कर लूँ कि कंफर्टेबल हो जाओ। यहाँ पे फिर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, कोई ना, और जो सामने वाला पुल है आप लोगों को दिख रहा होगा वो भी पता नहीं कब बन के स्टार्ट होगा यार, मतलब आता हूँ तो बताता हूँ कभी बन के स्टार्ट होगा और अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं, हो गया भाई, हो गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, पुल स्टार्ट हो गया है, हमें मालूम नहीं था यार, चलो अच्छी बात है, लगे यार, तो इसका भी आप लोग देख लीजिए। मतलब जब से ये बन रहा था तब से मैं कह रहा हूँ स्टार्ट होगा होगा होगा,
और आज फाइनली स्कूल स्टार्ट हो गया है, काफी दिन हुए, मुझे मालूम नहीं लेंगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छी बात है। ये रहा आपका नगर गिन्नी सर्कस लगा है यहाँ पे, और ये सामने रहा खुशी नगर, और ये पुल स्टार्ट हो गया है, चलते हैं यार, थोड़ा इस पर भगा के देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं। बढ़िया है यार, बढ़िया बना है तो। हाँ ठीक है, अच्छा है, मतलब नीचे जो जाम लगता था ना यार, वो सब जाम से छुटकारा हो गया। और फिर यहीं से आप अगर ऐसे ये रोड चली जाएगी, आप लोगों को दिख रहा होगा ये, तो ये आपका कस्तियाँ आ जाएगा, इधर चले जाएंगे आपका तो एयरपोर्ट आ जाएगा। ये अभी 90% इसका काम शुरू मतलब हुआ है, अभी मतलब कह रहे हैं हल्का फुल्का लोग इससे आ रहे जा रहे हैं, अभी 90% इसका काम हुआ है। कुछ कुछ जगह पे देख रहे हैं आप लोग, मतलब अभी मेन मतलब पक्की रोड नहीं बनी है, तो कच्चा रोड ही करके छोड़ दिया गया है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग आगे, कहीं रुकते हैं, थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे, अभी 1-1.5 घंटे बाद रुकेंगे और सब कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, तब तक मौसम को इंजॉय करते हैं, और आप भी लोग थोड़ा मौसम को इंजॉय कीजिए। लोग रुके हैं थोड़ी की जगह नाश्ता वास्ता करने के लिए, चाय भाई पी लें क्योंकि, और यहाँ से आपका थोड़े दूर पे ही आपका मतलब बिहार बॉर्डर, थोड़ा रुक के चाय वाय पी लेते हैं तब निकलते हैं। और यहाँ से ये देखिए सामने यही हाईवे है आपका, जो डायरेक्ट यहीं पे कुछ मतलब अराउंड 10-15 किलोमीटर बिहार बॉर्डर है, हम सोच लें यहीं पे थोड़ा रुक के चाय नाश्ता पी लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। और रास्ते में एक दो जगह बारिश मिली है, पूरा कपड़ा भी गंदा हो गया है, इसीलिए इसने गाड़ी को धुलवाया नहीं था इसीलिए। और काफ़ी मजबूत ये जो चीज़ मैंने कराया था ना यार, पत्ती लगा के हम पूरा मजबूत हो गया, मतलब पूरा हिल नहीं रहा है। अब पीछे अजय बैठा था, अजय आराम से बैठ के आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोग यहाँ खाना वाना खा चुके हैं भाई, मस्त खाना बना था अभी एकदम मस्त, यही ढाबा है भाई, फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, बस दादा बैठे मिलेंगे आपको, आइए खाइए, मस्त हम और अजय पेट भर के खाएँ। यहाँ से निकलते हैं हम लोग क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है। अभी हम लोग मुश्किल से भी तो 50-60 किलोमीटर ही हैं, और अभी 100 किलोमीटर और तो निकलते हैं। लेकिन खाना अच्छा था भाई, आके आप लोग आके रिकमेंड करूँगा, अगर इधर से आप लोग कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ आके यहाँ पे आप लोग खा सकते हैं आराम से। NH 28 बनवरिया तमकुही राज, मोबाइल नंबर ये नोट कर लीजिए आप लोग, बाबा में बैठे मिलेंगे, और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और खाना भी काफ़ी अच्छा। आप थोड़ा पेट भरा भरा सा लग रहा है क्योंकि सुबह तो कुछ खाए पिए नहीं थे हम लोग, पेट थोड़ा खाली खाली सा था, अच्छा नहीं लग रहा था। आप पेट एकदम भरा भरा लग रहा है, आप गाड़ी चलाने में मजा आएगा। और अभी अराउंड 3 बज चुके हैं, अभी तो बॉर्डर भी नहीं क्रॉस किया हमने, बॉर्डर क्रॉस करने से अभी मान लीजिए कि अभी आधा से 1 घंटा लगेगा बॉर्डर क्रॉस करने में। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसके बाद गूगल मैप लगाएंगे, उसके बाद का रास्ता में नहीं मालूम है, क्रॉस करने के बाद जब गोपालगंज एंटर कर जाएंगे वहाँ से मैं लगाऊंगा। फिर पुरतीत बोला है कि वहाँ से आप लगा लेना, क्योंकि एक शॉर्टकट आता है वो तुम नहीं देखे हो, वो देखा है तो वो तुमको लेते आएगा, तो अंदर पहुँच के गोपालगंज एंट्री मार लेंगे तब जाके वो मैं लगाऊंगा आराम से। और अजय भी ना पूरा खाली पेट था, वो भी सुबह कुछ नहीं खाया था, वो भी खा के रहा भाई, एकदम मजा आ गया था। इस समय सब गाड़ी वाले ओवरटेक कर रहे हैं, इंसान को ना बॉर्डर पे ज़्यादा वो मतलब चेकिंग होने लगती है, भीड़ भी लग जाती है ना इसीलिए, और इस समय ना ज़्यादा चेकिंग भी नहीं होती है और भीड़ भी कम रहती है, इसलिए लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब दोपहर में या शाम होने से पहले बॉर्डर क्रॉस करें इसीलिए। मजा आ गया भाई, मतलब खाना एक नंबर था, मतलब खा के जो कहते हैं ना दिल खुश हो जाना,
पूरा दिल खुश हो गया। खा ले, अब मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, आप प्लीज आइए खाइए। और हो सके तो हम लोग जब उधर से रिटर्न होंगे तो यही मैं खाना खाऊंगा, भूख लग गया तो मैं यही खाना खाऊंगा, मतलब एकदम घर जैसा खाना था भाई। अभी फिर चलिए राइड का मजा लेते हैं मस्त आराम से, धीरे धीरे, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मतलब 100 चापे, 80 चापे, 90 चाप के लेके जाए, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम, आराम से आराम से चलेंगे। तो हम लोग अब आ चुके हैं आपका बॉर्डर के पास, यहाँ से हार्डली आपका बॉर्डर अराउंड 2 से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा लग रहा है यार, मतलब काफी दिनों बाद कम से कम लास्ट बार हम और खुर्शीद साथ में आए थे हम लोग, उसके बाद कम से कम 2 साल हो गए, 2 साल नहीं, डेढ़ साल तो हो गए, हाँ 1.5 साल। ट्रक वाले भैया तो पूरा धूम उड़ा है, 1.5 साल हो गए, मतलब 1.5 साल बाद मतलब बिहार जा रहा हूँ भाई, मतलब इधर बाइक से मतलब 1.5 साल बाद जा रहा हूँ, बीच काम ही नहीं आता था मेरा। आपका लास्ट यूपी का बॉर्डर ये रहा आपका, और ये यहाँ आता है, ये आपका यूपी का बॉर्डर है ठीक, और ये आपका बिहार राज्य में आता है स्वागत है, ये बिहार है, वेलकम टू बिहार एवरीवन, वेलकम टू बिहार। ये आपका बिहार पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बाउंड्रीज है लेकिन पता नहीं चलता है कि आप बिहार में है, यूपी में है, ये गुजरात में है, मतलब हल्का हल्का मतलब पार्टीशंस हो जाते हैं, राज्य अलग हो जाता है। कोई ना भाई, हम लोग सब यूनाइट करता है कि हम लोग एक हिंदुस्तानी है और हम लोग एक साथ यूनाइट कर देता है। तो बिहार में आप सभी लोगों का स्वागत है, और बिहार में एक लालू जी का बहुत फेमस ही डायलॉग है, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो, क्या चला। तो जो भी ये मुहावरा को जानता है तो प्लीज वो कमेंट जरूर करे, और जो नहीं जानता है वो भी कमेंट करे कि क्या होता है, तो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ से हार्डली आपका गोपालगंज 20 किलोमीटर दिखा रहा है, 20 किलोमीटर दूर है, और फिर 20 किलोमीटर बाद आपका फिर मोतिहारी, 20 किलोमीटर बाद मोतिहारी अराउंड 40 से 50 किलोमीटर और है। ऐसे ही बिहार के बगल में नेपाल है, तो वहाँ लगता ही नहीं कि आप नेपाल में, लगता है आप बिहार में ही है, मतलब हल्का हल्का पार्टीशन पे यार मतलब देश बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है आपका। और वो आपका जो हम लोग आते हैं कुशीनगर, वो आपका NH 28 है, और ये बिहार में ये जो रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये NH 27 है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा, और अभी तो मेन वाला चेक पोस्ट बाकी है, जो मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है खुर्शीद के साथ जब मैं आया था, तो अभी एक चेक पोस्ट आएगा जहाँ पुलिस बैठी रहेगी और चेकिंग वेकिंग होती रहती है। हम लोग का पिछली बार बस पूछे थे कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, और बस देखें कि हाँ मतलब यूपी के नंबर है, तब ऐसे इशारा कर दिए कि जाइए जाइए जाइए। तो वो इस बार देखते हैं हम लोग को रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, कि पूछताछ होती है कि नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब काफ़ी दिनों बाद मतलब जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने खुर्शीद, ये भी सलाह मिलता भी तो नहीं है ना खुर्शीद, ये भी बात है, ये भी अब क्या करेगा ना यार, क्योंकि घर के बड़े लोग अब कमाने लग गए ना हम लोग, घर की जिम्मेदारियाँ भी तो आ गई हैं हम लोग के ऊपर, वो सब भी देखना पड़ता है, जो हम लोग कॉलेज टाइम में मौज मस्ती करते थे वो अब तो नहीं कर पाएंगे ना, पहले हम लोग मौज मस्ती करते थे, अपने रूम पे पार्टी करना है, दोस्तों के साथ चिल करना, क्या कर सकते भैया। रॉन्ग वे में आ रहे हैं जिन्होंने, बिहार पुलिस लेके जा रही है, कुछ जरूर कुछ मिला है इनके अंदर यार पुलिस की। तो चलते हैं आगे जहाँ मेन वाला चेक पोस्ट आता है, ये तो बाउंड्री था आपका, बाउंड्री पार किए हैं बिहार में आ गए, अब चलते हैं मेन चेक पोस्ट के पास, यहाँ मतलब जनरली रोक के मतलब गाड़ी चेकिंग होती है, क्योंकि बिहार में दारू बंद है, यूपी में दारू अलाउड है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यूपी से दारू बिहार में लेके जाते हैं,
इसलिए यहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है आप यहाँ कह सकते हैं। तो मैं यही चेक पोस्ट की बात कर रहा था जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, मैं यही चेक पोस्ट की बात कर रहा था। गोपालगंज में आपका स्वागत है, यही वो चेक पोस्ट है जो मैं बात कर रहा था। ये रोक कर पूरा आराम से चेकिंग की जाती है, एक से एक पूछताछ की जाती है कहाँ से आ रहे हैं क्या से नहीं, चाहे कोई भी जा रही है लेकिन बिहार बोले तो पूरा खोल दीजिए चेक होता। भाई आप बिहार की गाड़ी लेके आए, यूपी की गाड़ी, कहीं की भी गाड़ी, अगर आप पे डाउट है तुरंत गाड़ी रोक के आपको तुरंत चेकिंग की जाएगी। इस साइड आपका बसों का, ट्रक का, बसों का चेकिंग चलता है। ये बस है, ट्रक है, चेकिंग चलता है। तो फाइनली हम लोग बॉर्डर अब क्रॉस किए हैं, आप कह सकते हैं आप बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका डर लगता है, हम लोग मेरे बैग में कुछ नहीं है लेकिन तभी भी हमको हल्का हल्का डर लगने लगा था कि भाई ऐसा चेकिंग देख के आपको भी हल्का सा संदेह, मतलब अंदर से घबराहट हो जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हम लोग बैग में भाई ऐसा कोई सामान नहीं है जैसे हम लोग को दिक्कत हो। मस्त आराम से गोपालगंज में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, यहाँ का रोड अब ऐसे ही देखने को मिलेगा। मैं बोला था ना यूपी तक रोड अच्छा रहेगा, बिहार में रोड थोड़ा बहुत खराब है, गोपाल तक उसके बाद मोतिहारी तो पूरा ही डूब गया है समझ लो। अब डाबते हैं सीधे 70-80 और निकलते हैं, क्योंकि शाम रात हो जाएगी ना, तो रात में गाड़ी चलाने के लिए मना किया गया घर वालों ने। तो जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड तेज करते हैं और पहुँचते हैं। तो फाइनली हम लोग अब मोतिहारी में एंट्री मार चुके हैं, कुर्सीद से भी हमने फोन करके बात कर लिया है कि कुर्सीद अपना मतलब लाइव लोकेशन भेज दो व्हाट्सएप पे, अजय मोबाइल पे लोकेशन आ गया है, तो बस वही फॉलो करके हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से हार्डली मतलब 15 किलोमीटर ना अजय, 15 किलोमीटर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर दूर है। ये मतलब दूसरा रास्ता है जो मुझे वो लेके गया था कुछ काम से, तो वो दूसरा रास्ता था, ये हम लोग दूसरे रास्ते चल रहे हैं। ये हम लोग गूगल मैप के सहारे आए हैं यहाँ मोतिहारी तक, फिर बोला कि मोतिहारी में जब एंट्री मार लेना तो मुझे कॉल करना, मैं अपना लोकेशन भेज दूँगा। पर ठीक है चलो बढ़िया है, लोकेशन भेज दूँ भाई, लोकेशन देख के जा रहे हैं हम लोग। और हमने बोल दिया कि भैया एकदम खाना वाना बना के रेडी कर लो, क्योंकि एकदम भूखे पेट आ रहे हैं। कह रहा ठीक है ठीक है, आओ आओ एकदम खाना वाना बना के रेडी रख जाए आपका, ठीक है बाबू आ रहे हैं। हम बोले कुछ चाहिए तो बताओ, लेते आ रहे हैं हम लोग उधर से। कह रहा नहीं 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 सब कुछ है घर पे, बस तुम लोग आ गए तो चलो बढ़िया है। और गाड़ी चला के बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। कुछ टाइम मैं चलाया हूँ, कुछ टाइम अजय चलाया है, मतलब एकदम ये थकान वाला मतलब होता ना, एक थकान कोई थकान नहीं भाई, एकदम रिलैक्स मोड में हम लोग आए हैं, एकदम रिलैक्स। और कुछ जगह फोटोज बस नहीं लिए हैं क्योंकि इतनी तेज धूप है ना, सब धूप चेहरे पे ही आ रही है, तो फोटो नहीं लिए। वीडियोज बनाए हम लोग, शॉर्ट्स एक दो अपलोड कर दूंगा मैं, आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा मैं, आप लोग देख लेना। बस गूगल मैप को फॉलो करते करते जा रहे हैं हम लोग, अब बस कुछ ही देर में हम उसके मोहल्ले में आ गए लग रहा है। अरे भाई कौन बोतल फेंक रहा है, जल्दी जल्दी पहुंच जाए कि फ्रेश व्रेश भी होना है ना यार, थोड़ा मतलब शरीर दर्द कर रहा है बैठे बैठे भी, बैक पोर्शन भी दर्द करने लग रहा है। सही है ना अजय गूगल मैप, ठीक 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 तो आ गए याद आ गया। हाँ गलिया में
मैंने बोला ये क्या, बोला कहाँ है, यही है लग रहा है, अब कहाँ आ गए। और कालो कुर्सी दाग है, कुर्सी दाग करो, ब्लॉग में आए करो बे, खींच लो बाबू खींच लो, अभी बता रहे हम। देख लो भैया ब्राइट कोचिंग सेंटर खोल दिया भाई, अपना कुर्सी दाग है, अब मिलते हैं घर में, चलते हैं तो मिलते हैं।